डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फाइव एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स की एक्सरसाइज सी सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हेल्प से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ही कैन नॉट फिनिश दिस चॉकलेट। वह इस चॉकलेट को ख़त्म नहीं कर सकता। वुड यू लाइक सम, क्या आप कुछ लेना पसंद करोगे। सेकंड सेंटेंस है, हेलो दिस इज प्रिया स्पीकिंग। हेलो, यह प्रिया की आवाज़ है। हेलो, हाउ आर यू प्रिया। हेलो, आप कैसी हैं प्रिया। थर्ड सेंटेंस, हे मनु इज दिस योर रिंग। हे मनु, क्या यह रिंग तुम्हारी है। आई हैव जस्ट फाउंड इट ऑन द फ्लोर। मुझे यह अभी अभी फर्श पर मिली है। फोर्थ सेंटेंस है, लुक एट दैट वोमैन ओवर देयर। वहाँ उस महिला को देखो। शी इज ए स्पेनिश टीचर। वह एक स्पेनिश अध्यापिका है। फिफ्थ सेंटेंस, जस्टिन दिस इज हर पेन फ्रेंड जो। जस्टिन, यह उसका पक्का मित्र जो है। हेलो, प्लीज्ड टू मीट यू। हेलो, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। सिक्स्थ सेंटेंस, लुक एट ए दैट पेंटिंग ओवर देयर। वहाँ उस पेंटिंग पर देखो। सेवन्थ है, डोंट टेक दिस मग। यह मग मत लो। इट इज़ ब्रोकन, यह टूटा हुआ है। टेक दिस वन, यह ले लो। एट्थ, लिसन दैट अवफुल डॉग नेक्स्ट डोर इज बार्किंग अगेन। सुनो, वह अगले दरवाजे पर भयानक कुत्ता फिर से भौंक रहा है। नाइन्थ, हिज अंकल हु फॉट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसके चाचा जी जो पहले विश्व युद्ध में लड़े थे। टोल्ड हिम, उसे बताया। दैट इन दोज डेज दे डिड नॉट हैव इन अ फूड, कि उन दिनों उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। टेंथ, दोज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस आर एल्पस। वे दूर की पहाड़ियाँ एल्पस हैं। ये पहाड़ियों का नाम है स्टूडेंट्स, एल्पस का ए कैपिटल है ना, तो इट मीन्स ये नेम है पहाड़ियों का नेम। जैसे अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही एल्पस पर्वत है। इलेवंथ, विच ऑफ दीज टू बुक्स इज बेटर। इन दो पुस्तकों में से अच्छी कौन सी है। ट्वेल्थ, दिस एप्पल इज रेड। यह सेब लाल है। 13, दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। 14, दिस मनी बिलोंग्स टू हिम। यह पैसा उसका है। 15, दिस इज नॉट द ड्रेस आई चोज। यह वह ड्रेस नहीं है जिसे मैंने चुना था। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपने देखा होगा ओनली 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। सिंगुलर में कोई वस्तु या व्यक्ति हमें पास दिखाना है तो दिस, और सिंगुलर में अगर दूर की कोई चीज़ है तो दैट। ऐसे ही प्लूरल में कोई पास की वस्तु है तो दीज, और दूर की बात बतानी है, दूर की चीज़ दिखानी है, या दूर के किसी व्यक्ति का जिक्र करना है तो दोज। तो इस प्रकार ये अपनी एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स, और इसी के साथ चैप्टर फाइव भी कंप्लीट हो गया।